राजधानी भोपाल भारत भवन और हमीदिया अस्पताल में सुबह नकली आतंकी घुस गए। एनएसजी के जवानों ने मोर्चा संभाला और ढेर कर दिया। इस दौरान हमीदिया अस्पताल के ऊपर हेलीकॉप्टर भी उतारा गया। एनएसजी कमांडोज की बहादुरी देखने के लिए वहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। भोपाल में घुसे आतंकी, भारत भवन में किया विस्फोट, एनएसजी कमांडो ने संभाला मोर्चा, गोलियों की गड़गड़ाहट, आसमान से उतरते जाबाज और चुन चुन कर आतंकवादियों की तलाश। ये तस्वीर भोपाल की है जहां सुबह सुबह भारत भवन में आतंकवादी घुस गए। आतंकियों के घुसते ही पूरे इलाके में खलबली मच गई। आतंकवादियों ने वहां मौजूद लोगों को बंदी बना लिया और भारत भवन के पास बम विस्फोट कर दिया। विस्फोट की सूचना मिलते ही एनएसजी की टीम वहां पहुंची और मशक्कत के बाद आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आतंकवादियों से लोहा लेने का ये नजारा मॉक ड्रिल का था। भोपाल में एनएसजी की टीम ने कई जगहों पर ये मॉक ड्रिल की। इस दौरान बड़ी संख्या में भोपाल पुलिस का बल भी तैनात रहा। हमीदिया अस्पताल से शुरू हुई मॉक ड्रिल को तीन टास्क फोर्स ने अंजाम दिया। अस्पताल की बिल्डिंग में हेलीकॉप्टर से लैंडिंग से लेकर भारत भवन में कमांडोज की तैनाती की गई। इस पूरे ऑपरेशन को गांडीव नाम दिया गया। आतंकी घटनाओं के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दिल्ली और मुंबई के कमांडोज और सीनियर अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे एनएसजी के कमांडो अद्भुत और अविश्वसनीय काम करते हैं। यह समझ आ रहा है कि देश से आतंकवाद और आतंकवादी क्यों भाग रहे हैं। अद्भुत और अविस्मरणीय काम हमारे कमांडो एनएसजी के करते हैं। ये जनरल रनाडे के नेतृत्व में गांडीव करके नाम दिया गया है, जो अर्जुन का गांडीव है उससे जोड़ा गया है। और वास्तव में जब बम्बई का हमला हुआ था और एनएसजी की टीम पहुंची थी, अक्षरधाम का हुआ था और पहुंची थी, तब लगता था कि कैसे इसको अंजाम देते हैं, पर आज देखा आंख से, अद्भुत था। और वेपन जिस तरह से अभी आधुनिकीकरण किया गया है पूरा का पूरा एनएसजी के कमांडोज को, वास्तव में अब हमको भी समझ आता है देश से आतंकवाद और आतंकवादी क्यों भाग रहे हैं। और आतंकवादी कहीं भी छुप जाए, किसी भी बिल के अंदर छुप जाए, हमें विश्वास है हमारी कमांडो उसको उस बिल से खींच के मारेगी। गृह मंत्री का कहना है कि प्रदेश में तैनात एसटीएफ, एटीएस और क्यूआरएस को भी एनएसजी कमांडोज की तरह ट्रेनिंग मिले। इसके लिए हम चर्चा करेंगे ताकि कोई स्पेशल कैंप लगाकर पुलिस कर्मियों को भी ट्रेनिंग दिलाई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी सब होने के बावजूद भी, उन्हें इस ट्रेनिंग की आवश्यकता तो महसूस प्रतीत होती है। और इस दिशा में हम बातचीत करेंगे कि कभी, जैसे उन्होंने कहा भी है रानाडे जी ने, कि वो इसके लिए शिविर के लिए समय दे सकते हैं और उन्हें और आधुनिक बना सकते हैं। हम उस दिशा में भी बढ़ेंगे। एनएसजी कमांडोज ने अपने शौर्य और अपने प्रदर्शन से यह बता दिया कि हम आंतरिक सुरक्षा में किसी भी देश को टक्कर दे सकते हैं। देश की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो अपना मिशन किस तरह से करते हैं वो आज राजधानी भोपाल में मॉक ड्रिल में पता चला। भारत भवन परिसर, इसके अलावा हमीदिया अस्पताल, विधानसभा, मंत्रालय में जिस तरह से इन एनएसजी कमांडो ने अपना प्रदर्शन किया और बताया कि वो देश की सुरक्षा में किस तरह से लगे रहते हैं, वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा जो देश सुरक्षित है वो कहीं ना कहीं हमारे जो देश के जवान हैं, जो आर्मी है, जो हमारे कमांडोस हैं, इन्हीं के कारण सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और आज जो मॉक ड्रिल हुआ उसमें उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन किया और बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं ये भी बताया है कि भारत को, हमारे देश को किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो कमांडो हैं जो किसी भी मिशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।